गाइस, आई नो नवंबर ये टाइम फेस्टिवल का टाइम होता है। एक तो दुर्गा पूजा, नवरात्रि खत्म हुई, आने वाली है करवा चौथ एंड दिवाली। यू आर ऑल वेरी बिजी और इस बिजी टाइम में वर्कआउट के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल है ये मुझे पता है कि सब अभी एंगेज्ड है, ठीक है, सब बहुत बिजी है। बट इसी वजह से मैंने ये जो नवंबर चैलेंज है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट रखा है, एक न्यू मूवमेंट है, इसका नाम है मैन मेकर्स। और बट ये एक सिंगल मूवमेंट वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, एंड वन मूवमेंट टारगेट्स योर अपर कोर एंड लोअर बॉडी कम्प्लीटली। मैं आपको बताऊंगी अब एक्सरसाइज कैसे करना है, कितने रिपीटेशन करना है, चैलेंज क्या है लेने वाले हम और आप मिलकर। अगर आपके पास वेट्स है, डम्बल्स है दो, तो प्लीज ले आइए, 2.5 किलो का या 5 किलो का, 7.5 किलो का, जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इस मूवमेंट को डम्बल के साथ करोगे तो भाई साहब फील आ जाएगी, किक आ जाएगी। एंड इफ यू आर बिगिनर एंड यू डू नॉट हैव डम्बल्स, प्लीज गेट 1 लीटर 2 वाटर बॉटल्स, फिल देम विद वाटर एंड कम बैक एंड लेट मी शो यू द मूवमेंट राइट नाउ, प्रैक्टिस विद मी। सो लेट्स गेट ऑन द मैट विद आवर इक्विपमेंट। सबसे पहले हम अपने वेट्स को या डंबल्स या पानी के बॉटल जो भी आप यूज कर रहे हो, मैट के ऐसे साइड में रख देंगे, ठीक है। फिर हम हाई प्लैंक पोजीशन पे आएंगे। हाई प्लैंक पे आ जाओ, थोड़ा फीट को वाइड कर लो ताकि सपोर्ट मिले मूवमेंट में, कोर को टाइट करना है और फिर हमें करना है रोज, ओके, सिंपल। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, नियर दिस एरिया, ठीक है, डाउन विथ इनहेल, द अदर साइड, एक्सहेल अप, डाउन विथ इनहेल, पूरे बैक मसल को एंगेज करके, फिर फ्रॉग जंप ऐसे साइड में, फिर वेट्स को हम पकड़ेंगे ऐसे खींचते हुए स्नैच करके, स्क्वाट डाउन, अप एंड प्रेस डाउन अगेन, नीचे रख के बैक टू हाई प्लैंक, ओके, एंड देन रिपीट, डाउन डाउन जंप आगे एंड प्रेस डाउन, बैक डाउन डाउन फ्रंट। उनके पास 5 किलो या 7.5 किलो का डंबल है, वो एटलीस्ट इसका 30 रेपिटेशन करने की कोशिश जरूर करें। 30 आपको डंबल के साथ करने हैं। जो बिगिनर्स है विद वाटर बॉटल्स, 20-25 रेप्स इज व्हाट यू शुड टारगेट। एंड इफ यू आर एन एडवांस्ड बट डू नॉट हैव डंबल्स, मतलब ऐसे भी लोग होंगे एडवांस हो गए बट डंबल्स घर पे नहीं है, वो इसको 40-45 रेपिटेशन ट्राई करें। यू कैन डेफिनेटली रिप्ले द वीडियो एंड डू विथ मी अगेन। हर 10 सेट के बाद हम 10 सेकेंड्स का गैप लें। Do the first 10 using my 5 kg dumbbell. You can definitely use your water bottles or whatever you have. So let's start with the first 10 repetitions. Make sure you're breathing like I had explained during the demonstration process. Breathing will help you make the movement easier.
एक्सप्लेनिंग दिस नाउ विद द वाटर बॉटल्स, बट यू कैन कंटिन्यू विद योर डंबल्स 10 मोर रेपिटेशन. Engage your core while doing every movement. Feel every movement. Engage upper, lower, glutes, thighs, shoulders, lats, every muscles. And this is a very, very, very good full body movement. And please breathe. Keep your core engaged. And yeah, if you're doing with dumbbells, I'm sure by now you're tired. One more repetition before another 10 seconds break, but make sure that you can repeat this and do it again if you are not tired, especially for my advanced folks who can do more. Please repeat this and do at least 10-20 rounds more. बस ये एक मूवमेंट आपको करनी है इस नवंबर चैलेंज में. आई नो ये फेस्टिवल टाइम है, अब सब बहुत बिजी है. दिवाली के टाइम लोग यूजुअली बहुत बिजी होते हैं, करवा चौथ एंड ऑल द फेस्टिवल्स. दैट इज व्हाई आई कैप्ट दिस चैलेंज लाइक वेरी वेरी सिंपल. ठीक है,
कुछ नहीं, एकदम अगर टाइम नहीं है तो 10 मिनट निकाल लो इसको करने के लिए। स्ट्रिक्टली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए डंबल्स का यूज करें तो बहुत सही आपको इफेक्ट देगा। और क्या मतलब 10 राउंड के बाद आपको किक आ जाएगी अगर आप 5 किलो या 7.5 किलो के डंबल के साथ इसको कर रहे हो तो। एंड डू द स्ट्रेचिंग नाउ, आई सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। बाकी चैलेंजेस के जो वीडियो है, अच्छे अच्छे योगा चैलेंजेस है, वर्कआउट चैलेंजेस है, दूसरे जो मंथ के हैं सब यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के चैलेंजेस भी है, प्लीज डू इट। ओके बाय।